गुड इवनिंग डीएस, स्वागत है आप सभी का डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे। डीएस, मैं आपके लिए जैसा कि बोला था कि आपके लिए क्या करूँगा, ज़रूर एक दिन आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊंगा जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इम्पोर्टेंट होगा, एकदम महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो उसी को, उस प्रोमिस को पूरा करने के लिए मैं पहला पार्ट ला चुका हूँ। कौन सा पार्ट? पहला पार्ट जिसमें हमको क्या बताना है, आज के क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में सेल का एग्जाम हुआ है, किसका एग्जाम हुआ है, सेल का एग्जाम हुआ है, तो सेल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का डिस्कशन आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज के क्लास में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद इसी को सीरीज को पूरा करते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, फिर ये खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस प्रकार के सीरीज को मैं लाता रहूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को, अच्छे अच्छे दोस्त को जोड़ना, ताकि मेरे पास जो बच्चा रहे, पढ़ने लिखने वाला रहे, टारगेटेड बच्चा रहे, ठीक है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा ताकि आगे अपडेट उसी ग्रुप में आप लोग के लिए प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, विच पैटर्न ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हील रिम्स। क्या कह रहा है बाबू, कि जो पैटर्न हम किस टाइप का यूज़ करते हैं, कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं जब हम व्हील रिम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब रिम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो किस पैटर्न का यूज़ करते हैं। देखो पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न क्या होता है, अगर किसी चीज़ को हमको बनाना रहता है, रिम हो या कोई भी चीज़ हो, दुनिया में जितना भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं, तो जो कास्टिंग के द्वारा बनता है, तो कास्टिंग के द्वारा बनाने के लिए हमको एक चीज़ का यूज होता है जिसे हम पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न कुछ नहीं, पैटर्न क्या कहता है, एक रिप्लिका होता है, सेम जैसा हूबहू जिस शेप का हमको बनाना होता है ना प्रोडक्ट, उसी शेप का हम क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, एक लकड़ी का हो या कास्ट आयरन का हो, सॉरी लकड़ी का हो, एल्युमिनियम का हो, पीतल का हो, हल्का मेटल का एक शेप बना लेते हैं। तो उस शेप को हम क्या करते हैं, एक मोल्ड में ढाल देते हैं उस शेप को, और उसमें हम अगर मेटल को डालते हैं, मोल्टेन मेटल को डालते हैं, तो उसी शेप को बना लेता है, उसी शेप को ले लेता है, ठीक है। तो उसी में ना हमारा जो पैटर्न होता है, पैटर्न बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें मुख्यतः हमारा जो दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में भी बता देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हील रिम्स के लिए, तो व्हील रिम के लिए जिस पैटर्न का यूज होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंटल पैटर्न। कौन सा पैटर्न? सेगमेंटल पैटर्न। तो सेगमेंटल पैटर्न क्या होता है, जैसे मान लो मेरा व्हील रिम इस प्रकार का गोल बना हुआ रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो पैटर्न का यूज करेंगे, वो मान लो पैटर्न का यूज करेंगे, तो पैटर्न इसका व्हील रिम का एक क्वार्टर भाग को एक बार में ढालेगा, ठीक है, इतना पोर्शन को ये पोर्शन ढला जाएगा, तो यही वाला जो पैटर्न रहेगा इसको मूव करके कहाँ पे, यहाँ पे लेके चले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भाग को ढाल देगा। उसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट, तो इस पैटर्न को उठा करके हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ फेंक देंगे। उसी प्रकार से पूरा व्हील के रिम को कास्ट कर देंगे जिस पैटर्न से, तो इस प्रकार के पैटर्न को हम कहते हैं सेगमेंटल पैटर्न। एक बार में पूरा नहीं ढालते हैं, पार्ट पार्ट करके ढालते हैं, एक सेगमेंट में एक भाग कर करके उसको पूरा करते हैं, तो उस प्रकार के पैटर्न को हम कहते हैं सेगमेंटल पैटर्न। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सेगमेंटल पैटर्न, लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन दिया है, स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न बाबू, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है सेगमेंटल पैटर्न और स्वीप पैटर्न में, एकदम बारीक अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसमें हम क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके हम क्या कर रहे थे, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे, पूरा व्हील को बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक पैटर्न रहेगा और पैटर्न को 360 डिग्री रोटेट कर देंगे। मान लो ये पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न को 360 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो यहाँ पे जो कैविटी बन जाएगा वो पूरा एक ही बार में कैविटी बन जाएगा, वन रोटेशन कंप्लीट होने के बाद। तो इस प्रकार के जब पैटर्न का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न और सेगमेंटल पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद आता है गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न का यूज हम करते हैं मास प्रोडक्शन में। कहाँ करते हैं? मास प्रोडक्शन में। और कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे एक ही प्रकार के, समान प्रकार के ऑब्जेक्ट या वर्क पीस बहुत बहुत से क्वांटिटी में बनाना हो। जैसे मान लो हमको एक बॉल बनाना है, ठीक है, बहुत सारा बॉल बनाना है, तो इस बॉल को क्या करेंगे, एक पैटर्न के माध्यम से जोड़ देंगे, ठीक है, इस बॉल को क्या करेंगे, एक पैटर्न के माध्यम से जोड़ देंगे।
उसी प्रकार इधर भी अगर हमको बॉल बनाना रहेगा तो ये क्या करेंगे, पैटर्न के माध्यम से जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा एक ही बार में पूरा कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, ये रास्ता हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा मोल्टेन मेटल इसमें फिल होगा, इसमें भी जाएगा, इस रास्ता से इसमें भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इस प्रकार से एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट, बहुत सारा मेरा बॉल बन के तैयार होगा। तो इस तरह का जब हम यूज करते हैं ना पैटर्न को, उसे हम कहते हैं गेटेड पैटर्न। नेक्स्ट हमारा है फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है ना, कि जैसे देखो कोई भी पैटर्न एकदम पतला हो, जिसको जिसका टूटने का डर हो, जिसका खराब होने का डर हो, तो उस प्रकार के पैटर्न में हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार का अगर कोई पैटर्न हो, ठीक ना, ये बहुत पतला पैटर्न है, तो इस पैटर्न को सपोर्ट देने के लिए एक वुड का, लकड़ी का एक सपोर्ट दे देते हैं ऐसे करके। मान लो इसके अंदर एक सपोर्ट दे दिए, इस प्रकार का ये सपोर्ट मिल गया, तो इस सपोर्ट को मिलने के कारण उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सैंड को भरेंगे, तो तब ये कहेगा टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम कहते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसके अलावा भी कौन सा पैटर्न है वो जान गए, और इसका राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेगमेंटल पैटर्न के बारे में कुछ जो है पॉइंट लिख दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। सेगमेंटल पैटर्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड्स ऑफ लार्ज सर्कुलर कास्टिंग। सर्कुलर, बहुत बड़ा सर्कुलर कास्टिंग बनाना रहता है, तो हम सेगमेंटल पैटर्न एक एक सेगमेंट कर करके, जैसे बोले ना फिल्डिंग बनाना है, बहुत बड़ा बनाना होगा तो उतना बड़ा पैटर्न बनाना मुश्किल नहीं होगा, तो एक इसका सेगमेंट का पैटर्न बना लेते हैं एक भाग का, और इसी पैटर्न को हम क्या करते हैं पूरा पोर्शन में रिपीट करते करते पूरा बिल को पूरा कर देते हैं, तो लार्ज सर्कुलर कास्टिंग। ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। Avoiding the use of solid pattern of the exact size। इससे क्या होता है, हमको राहत मिल जाता है एक बड़ा पैटर्न बनाने से, छोटा पैटर्न से ही मेरा काम चल जाता है, ठीक है। अगर बड़ा पैटर्न बनाते हैं, पूरा इतना बड़ा सॉलिड पीस का पैटर्न बनाना होता तब हम भील रिम का बनाते, लेकिन इतना सारा छोटा, इतना छोटा पीस हम क्या कर दिए का पैटर्न बनाए, और इसी पैटर्न से पूरा भील का डिजाइन करने, तो इसका प्लस पॉइंट होता है। इट इज सिमिलर टू स्वीप पैटर्न। यह स्वीप पैटर्न के समान है, बट डिफर फ्रॉम द स्वीप पैटर्न इन दैट द स्वीप पैटर्न ऑफ अ पार्ट इज द फुल रोटेशन मोशन ऑफ द मोल्ड प्रिपरेशन। वो क्या करता है, एक ही रोटेशन में पूरा मोल्ड को प्रिपेयर कर देता है। तो ये हमारा सेगमेंटल पैटर्न का टाइप हो गया। देखो ना यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा है कि हमारा एक सेगमेंट है, मान लो बोले थे ना एक यहाँ पे व्हील बनाना है पूरा, तो ये व्हील को पूरा बनाना है, लेकिन क्या करेगा ये एक व्हील का एक सेगमेंट को डिजाइन करेगा पैटर्न के रूप में, ठीक है, और यहाँ पे पाइवट पिन से कनेक्ट कर देगा, सेगमेंट ऑफ कास्टिंग है ना, और इसको क्या करेगा पूरा यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पे एक कैविटी का निर्माण कर देगा, और इस कैविटी का निर्माण करने के बाद इसमें हम व्हील रिम कास्ट कर सकते हैं। कब कब, जब इसमें मोल्डिंग वगैरह है ना, इसके अंदर पूरा सैंड भरा हुआ है, सैंड भर के डिजाइन करके इस तरह से हम कर लेते हैं, इसे हम सेगमेंटल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। और किस पैटर्न किस टाइप का दिखता है उसके बारे में देखो, ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया, स्वीप पैटर्न। देखो ना ये स्वीप है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री घूम के ये वाला कैविटी का निर्माण कर, ये गड्ढा का निर्माण कर दिया, तो इस गड्ढा कैविटी मतलब होता है गड्ढा, किसके द्वारा, स्पिंडल से हम स्वीप को जोड़ दिए, उसमें पाइवट पिन से जोड़े थे, इसमें स्पिंडल से जोड़े, तो जो कैविटी का निर्माण हुआ एक रोटेशन में उसे हम स्वीप पैटर्न कह दिए, ठीक है। तो इसमें बारीक सा अंतर है, आप लोग को पता चल गया होगा। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स के अंदर इस पैटर्न को रखें, तो इस बॉक्स को हम कहते हैं मोल्ड। मोल्ड के बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो मोल्ड के बारे में भी बताएंगे। मोल्ड क्या होता है ना, कि बालू को चिपका करके एक शेप बना देते हैं, उसी में ना पैटर्न को रखेंगे और कैविटी बनाएंगे, और उसमें मोल्ड मेल्ट मेटल डालेंगे, तब ना मेरा शेप बनेंगे, तो ये हमारा मोल्ड होता है बक्सा। देखो दूसरा हमारा था स्केल्टन पैटर्न, इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसे हम स्केल्टन पैटर्न कहते हैं। तो स्केल्टन पैटर्न कब यूज़ करते हैं, जैसे बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा हमको पाइप डिजाइन करना है, तो लंबा लंबा पाइप डिजाइन करने के लिए फिर वही चीज़ आएगा, अगर उसका पैटर्न हम बनाएंगे, तो मान लो इतना बड़ा पाइप है, ठीक, तो इतना बड़ा मान लो 100 मीटर का पाइप है, तो 100 मीटर का बड़ा सा सॉलिड पीस का पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, आएगा ना खर्चा, आएगा बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो इसको क्या करते हैं इस तरह से डिजाइन करते हैं, होलो टाइप का एक लकड़ी का जो होता है एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखो ना, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम मिट्टी को भर देते हैं, सॉइल को भर देते हैं, लोम सैंड को भर देते हैं, उसके बाद अस्टिकल बोर्ड होता है, अस्टिकल बोर्ड से जो एक्स्ट्रा सैंड होता है उसको हटा देते हैं, तब भी हमारा शेप बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। तो जब मेरा इस टाइप के सस्ता में बन ही जा रहा है, तो हम ज़्यादा इसका लंबा क्यों बनाए, इतना पूरा सॉलिड क्यों बनाए, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं स्केल्टन पैटर्न का, ठीक है। तो इसे हम स्केल्टन पैटर्न कहते हैं। अगर इसका यूज़ पूछे तो बता दीजिएगा, लंबे लंबे पाइपों को डिजाइन करने के लिए हम स्केल्टन पैटर्न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो गेटेड पैटर्न, बोले थे ना बॉल का डिजाइन हम बताए थे, देखो इधर भी बॉल है, इधर भी बॉल है, बहुत सारा बॉल का डिजाइन करना है, तो हम क्या करते हैं एक गेट बनाते हैं,
और इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें हम मेटल को डालेंगे, गला हुआ मेटल को मेल्ट मोटल के डालेंगे, तो ये पूरा सभी में पहुंच जाएगा। ये पूरा रास्ता कॉमन रास्ता है, कॉमन वे है, तो सभी में पहुंच करके हमारा क्या होगा, बहुत सारे बॉल का निर्माण करेगा, जिसे हम कहेंगे गेटेड पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट आता है मल्टीप्लेट पैटर्न। तो मल्टीप्लेट में क्या होता है ना कि एक प्लेट नहीं, दो तीन प्लेट का, जब दो से अधिक प्लेट का यूज होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लेट पैटर्न। तो मल्टीप्लेट में अगर सबसे ऊपर का भाग पूछे तो उसे हम कहते हैं कोप, और नीचे का भाग पूछे तो उसे हम ड्रेक के नाम से जानते हैं, और कोप एंड ड्रेक के बीच में जो हम लगाते हैं उसे हम चीक के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, रिपीट होते रहता है, ऊपर का पोर्शन को कोप कहते हैं, नीचे के ऑप्शन को ड्रेक कहते हैं, बीच के पोर्शन को चीक कहते हैं। देखो ना, ये शेप हमको बनाना है, ये हमारा जो शेप दिख रहा है ना, ये शेप बनाना है, ये वाला जो हैच किया हुआ, और इस शेप को बनाने के लिए तीन पीस में बांट दें, क्योंकि एक पीस में पूरा हुआ ही नहीं, तो उसे हम स्प्लिट कर दिए तीन भागों में, जिससे ऊपर और बाकी जो पोर्शन है सेंड भरा हुआ, मोल्डिंग सेंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना भी पैटर्न हो सकता था उसके बारे में डिस्कस कर दिए। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कास्टिंग मेथड यूज टू मेक डेंटल रिस्टोरेशन इज। देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है किस मेथड का यूज करेंगे, कास्टिंग मेथड कौन सा यूज करेंगे जब हम डेंटल रेस्टोरेशन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और कुछ भी जिसमें टोलरेंस एकदम मिनिमम हो, 0.025 एकदम जो है एक्यूरेट साइज का बने, तो उस प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए, उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम जिस कास्टिंग मेथड का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जैसे कोई भी गहना हो, जेवर हो, ठीक है, खिलौना हो, खिलौना नहीं आता है लेकिन इस प्रकार मतलब क्या होता है, गहना जेवर ये सब एकदम प्रिसीजन खोजता है, एकदम थोड़ा थोड़ा अभी गलती करेंगे तो ये जेवर अच्छा नहीं लगेगा, गहना जिसको हम इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का तो आंसर पता चल गया, और सेंड कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग क्या होता है, आगे हम आपको समझाते हैं। देखो पहले इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज जनरली यूज फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स शेप, और इसमें बहुत सारा डिफिकल्ट शेप भी हम बना सकते हैं। कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर टाइटन टोलरेंस, एकदम टोलरेंस जो होता है मिनिमम होना चाहिए, थिनर वॉल एंड वेटर सरफेस फिनिश वेटर होना चाहिए, देन कैन बी ऑब्टेन, कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में पता चल गया होगा। देखो कैसा होता है, इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनता है कितना चिकना होता है, एकदम स्मूथ होता है, दिख रहा है कितना चिकना दिख रहा है। अगर सैंड कास्टिंग के द्वारा बनाएंगे तो इसका सरफेस जो फिनिश है ना वो रफ रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, इतना फिनिशिंग नहीं रहेगा। और डाई कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग सैंड कास्टिंग हो या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो, तो इसमें क्या होता है ना, जो हम मोल्ड का निर्माण करते हैं, जो कैविटी का निर्माण करते हैं, वो बार बार बनाना पड़ता है। जितना हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना पीस बनाएंगे, उतना हमको मोल्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, खर्चीला प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर दिए, परमानेंट मोल्ड बनाने का प्रयास किए। तो जब हम परमानेंट मोल्ड बना करके कास्टिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में दो प्रकार के होता है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो अगर कास्टिंग से रिलेटेड जितना भी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल में आपको पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो सिर्फ कास्टिंग पे ला देंगे, अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसके बारे में इतना ही जानकारी। तो आंसर आपका डी हो गया। आप देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सेंड कास्टिंग। सेंड कास्टिंग में क्या है, जो हम इसका जो कैविटी बनाए ना, कैविटी हम जो बनाते हैं सेंड का यूज करते हैं। तो सेंड भी बहुत प्रकार का होता है, लोम सेंड होता है, बैक सेंड होता है, ग्रीन सेंड होता है। तो जब कास्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम इसको बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को बताएंगे तो लेंदी हो जाएगा। ये हमारा देखो सैंड कास्टिंग, जिसमें जो कास्टिंग, ये कैविटी देखो ना, ये शेप हमको बनाना है। ठीक है, ये कैविटी जो क्रिएट हुआ ना, इस कैविटी में हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है इसी शेप का, जैसा कैविटी है, जैसा ये कैविटी है, जैसा कैविटी है, इसी शेप का मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको बनाने के लिए पहले जो कैविटी तैयार की ना, वो कैविटी तैयार की हम सेंड से, इसीलिए हम कहते हैं इसको सेंड कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो है डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग में क्या करते हैं, परमानेंटली हम उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। देखो एक क्या कर दिए हम, डाई बना दिए, इसे हम डाई कहते हैं। ठीक है, तो डाई को दो भाग में बांट देते हैं, ये हमारा होता है कवर डाई और ये होता है इजेक्टर डाई। तो इजेक्टर डाई क्या होता है, ये निकलता है और इसको क्या कर दिए, एक रास्ता से जोड़ दिए जिसे हम कहते हैं स्प्रू। ठीक है, जिस शेप का हमको बनाना है प्रोडक्ट, उसका कैविटी इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का मान लो, इस शेप का हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो इस शेप का हम कैविटी उसके अंदर बना दिए हैं।
ठीक है, और इसको जोड़ दिए हैं एक चेंबर से, जिसे हम जहाँ पे मेटल पिघलता है, ये गरम गरम दिख रहा है ना, यहाँ पे मेटल हम यहीं पे पिघलाते हैं, यहाँ से पिघलाते हैं, और यहाँ पे एक प्लंजर रहता है। जब मेरा मेटल पिघल गया तो प्लंजर से पुश करते हैं इधर, देखो ना ये मेटल हमारा पिघला है, इसमें मोल्टन मेटल पूरा भरा हुआ है इस कैविटी में, ठीक है। तो प्लंजर को जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ प्रेशर के द्वारा इस मोल्टन मेटल को इस कैविटी में डाल देगा और इसका शेप ले लेगा, तो हमारा कास्टिंग तैयार हो जाएगा। और जब मेरा कास्टिंग तैयार हो जाएगा तो एजेक्टर डाई है, एजेक्टर डाई के पिंस को निकालेंगे तो अपने आप ये अलग हो जाएगा, कास्टिंग बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरा हमको बनाना होगा, तो फिर पिंस को जोड़ देंगे और यही ये वाला पीस हमारा जो एजेक्टर आधा जो डाई है ये वाला फिर से मेरा इसी जगह पे आ जाएगा और ये कैविटी का निर्माण फिर से कर लेगा और यहाँ पे दोबारा दूसरा प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, मोल्ड एक ही बार बनाना पड़ा लेकिन यूज इसको बार बार कर सकते हैं, तो ये हमारा डाई कास्टिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो है ना, ये कंटिन्यूस कास्टिंग कहलाता है। तो कंटिन्यूस कास्टिंग किसे कह सकते हैं, जैसे बड़ा सेल फैक्ट्री में जाइएगा ना, तो सेल फैक्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा जो ट्रेन का जो होता है ना, रेल का पटरी होता है, उस टाइप का ब्लेड्स निकलेगा लंबा ऐसे करके, इतना बड़ा मेटल का प्लेस लंबा लंबा निकलेगा या पतला पतला चादर निकलेगा, तो ये कंटिन्यूसली निकलते रहता है। तो जब कंटिन्यूसली जब निकलते रहे प्रोसेस, तो उस कास्टिंग को हम कहते हैं, है ना। मान लो ये लेडल है, यहाँ पे मोल्टेन मेटल रखा हुआ है, इस मोल्टेन मेटल को इस तरह से हम निकाल रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक स्ट्रिप हो या एक ब्लेड हो, तो इस प्रकार का निर्माण कर रहा है। तो देखो ना, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग। यहाँ पे लेडल है, यहाँ पे मेरा फर्नेस है, फर्नेस से हमारा जो जा रहा है मेटल लेडल में जा रहा है, सॉरी लेडल फर्नेस से हम लेडल में लिए, लेडल होता है एक स्फेरिकल शेप का, एक होता है बॉक्स होता है, उसी में हम क्या करते हैं मोल्टन मेटल को लेते हैं। और देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा हम यहाँ पे ऐसे ला रहे हैं, तो हमारा क्या एक रेक्टेंगुलर पीस का निर्माण हो रहा है ना। और ये क्या है, रोलर है, सपोर्टिंग रोलर है, जो कि धीरे धीरे क्या करे उसको पतला करते आ रहा है, यहाँ से धीरे धीरे उसको जिस शेप में चाहिए उसको ला रहा है, उसके बाद यहाँ ला के इसको काट दे रहे हैं, काट काट करके इधर अलग करके रख रहे हैं। तो ये कटा हुआ पीस को कहते हैं हम बिलेट कह देते हैं, बिलेट, ठीक है। बिलेट होता है, ब्लूम होता है, और बहुत कुछ होता है, तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके हम अभी कास्टिंग के बारे में जानते थे, तो इतना आपके लिए इनफ हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ सेंटर लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी लोएस्ट ड्यूरिंग। जब हमारा जानते हैं आप लोग कि लेथ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे टर्निंग होता है, स्ट्रेट टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग होता है, ड्रिलिंग होता है, रिमिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, नर्लिंग होता है, पार्टिंग होता है, पार्टिंग ऑफ होता है, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन में कितना कितना स्पीड होता है। तो देखो सबसे कम स्पीड जो रखते हैं ना, सबसे कम स्पीड हम रखते हैं किस में रखते हैं, सबसे कम स्पीड रखते हैं हम थ्रेड टर्निंग में, ठीक है। और थ्रेड टर्निंग क्या होता है, जब हम लेथ कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो उसमें हम थ्रेड बनाएं, इस प्रकार का थ्रेड बनाएं, तो उसे हम थ्रेड टर्निंग कहते हैं, इस समय हम स्पीड बहुत कम रखते हैं। और पार्टिंग ऑफ क्या होता है, जब दो एक कोई वर्क पीस है, ठीक है, एक वर्क पीस को जब हमको दो भाग में काटना रहता है, ये दो भाग में मान लो कट गया, तो इसे हम कहते हैं पार्टिंग ऑफ, दोनों को अलग कर दिए, दो भाग में बना दिए। उसके बाद नर्लिंग होता है कि किसी भी चीज़ पे ग्रिप बनाने के लिए एक डायमंड शेप का या स्ट्रेट कोई भी डिजाइन करना है ना, ये हमारा नर्लिंग कहलाता है। तो नर्लिंग, पार्टिंग ऑफ, थ्रेड कटिंग, टेपर टाइंग, तो सबसे स्लो स्पीड जो होता है हमारा थ्रेड कटिंग में होता है, ठीक है। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है, आपके आंसर आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आंसर आपका क्या दे दिया है, टेपर टर्निंग दे दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका क्या आंसर है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए थ्रेड कटिंग, लेकिन जब आपका जो सेल में एग्जाम हुआ था उसमें आंसर ये दिया, इसलिए हम भी इसमें यही लिख दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच टेपर इज यूज्ड ऑन द नोज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक। इसमें पूछ रहा है कि जो लेथ का हेड स्टॉक होता है उसमें कौन सा टेपर का यूज़ करते हैं। तो टेपर क्या होता है, देखो जब भी किसी भी चीज़ों को में अगर कोई भी कटिंग टूल्स लगाना है जिससे कोई भी मेटल काट सके, या किसी भी चीज़ को फंसाना है, लॉक करना है, तो उन चीज़ों में ना एक टेपर होता है जिसे हम बहुत टाइप में बांटते हैं, जैसे मोर्स टेपर होता है, जर्नो टेपर होता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है, पिन टेपर होता है। तो लेथ में जो टेपर का यूज करते हैं उसे हम मोर्स टेपर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम जर्नो टेपर का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम मोर्स टेपर का यूज करते हैं। जैसे तुम अगर ड्रिलिंग करोगे तो ड्रिलिंग में जानते हो ना कि उसका जो शैंक होता है दो प्रकार के होता है, स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक। तो टेपर शैंक का यूज कब करते हैं, जब हमको लार्ज डायमीटर का होल करना हो,
तो टेपर होता है क्यों, वो टेपर जो होता है ये होता है ना सैंक, इस प्रकार का ये स्ट्रेट सैंक हुआ, ये ड्रिल बिट यहाँ पे बना दो, ठीक है, ये हमारा टेपर सैंक हुआ, ठीक है, टेपर सैंक हुआ। तो ये जो सैंक हुआ, ये टेपर हुआ, तो इसी टेपर को हम कहते हैं मोर्स टेपर, और मोर्स टेपर जीरो से लेकर के सेवन नंबर तक आता है, ठीक है, और इसका एंगल जो होता है हाफ एंगल एक डिग्री 29 मिनट, किसी किसी में 30 मिनट, 1.5 मिनट, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया, और बाकी जो है डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर, हाँ देखो ये है ना आपका टेपर जीरो से, टेपर नंबर होता है जीरो से लेकर के सात तक होता है, तो जिसको इसको एंगल याद करना है वो याद कर लेगा कि जीरो नंबर का टेपर का एंगल होता है 1 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड, वन का होता है 1 डिग्री 26 मिनट, उसी प्रकार के सात का होता है 1 डिग्री 30 मिनट। तो इस तरह से आपको एंगल भी याद कर लेना है मोर्स टेपर का, तो अच्छी बात है, कंपटीशन में पूछेगा तब लोग बना लीजिएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा देखो कौन कौन सा टेपर है, जर्नो टेपर, तो जर्नो टेपर का यूज़ क्या होता है बोले, यूज इन मशीन टूल्स सच एज प्रोफाइलिंग मशीन में होता है, डाई सिंकिंग मशीन में होता है, लेकिन कभी कभी जो है हम इसका हेड स्टोक एंड टेल स्टोक को स्पिंडल ऑफ लेथ का भी कर लेते हैं, लेथ का स्पिंडल में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। जर्नो टेपर का अनुपात कितना होता है, 1:2 ऑन डायमीटर और 0.600 इंच ऑन द डायमीटर पर फुट, तो ये आप लोग को देख लेना है, ये कुछ डाटा लिख दिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे देखो ना ब्राउन एंड साफ टेपर, ब्राउन एंड साफ टेपर कहाँ पे यूज करता है, अर्बर ऑफ मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन में पूछेगा किस टेपर का यूज करते हैं, तो हम ब्राउन एंड साफ टेपर का यूज करते हैं, और पिन पे जो टेपर आता है उसे हम पिन टेपर कहते हैं, उसके बारे में कुछ खास जानना नहीं है। तो आज के बाद टेपर से क्वेश्चन आए तो जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और ज़्यादा आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टूल पोस्ट ऑफ सेपर इज माउंटेड ऑन, देखो जिस प्रकार से जब लेथ पढ़ते हैं तो लेथ का कैसे होता है, टूल पोस्ट होता है, सेडल होता है ना, क्रॉस स्लाइड होता है, तो उसी प्रकार से सेपर में जो हमारा सेपर में जो टूल्स होगा, टूल पोस्ट होगा किस पे माउंट होता है, तो सेपर में जो टूल पोस्ट माउंट होता है वो होता है क्लेपर बॉक्स में, ठीक है, क्लेपर बॉक्स में होता है। सेडल कहाँ रहता है, सेडल आपका लेथ मशीन में रहता है, और बेस तो आपका सब में रहता है, बेस चाहे लेथ बेड हो, लेथ हो या सेपर हो, प्लेनर हो, कोई भी मशीन रहेगा तो उसका बेस के बिना तो कैसे रहेगा। और बी ऑप्शन है क्रॉस रेल, तो क्रॉस रेल जैसे क्रॉस फिट के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते थे लेथ में, आप लोग याद कीजिए, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो उसी तरह से जब हमको क्रॉस फिट देना रहता है तो क्रॉस फिट के लिए वहाँ पे क्रॉस रेल बना रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्रॉस रेल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर तो आपका हो जाएगा क्लेपर बॉक्स, जैसे हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा किसका, प्ले सेपर मशीन का, तो सेपर मशीन का सबसे निचला भाग को बेस कहते हैं, नीचे बेस लिखा हुआ, ठीक है, और ये आपका टेबल है जिसपे हमारा क्या रहता है वर्क पीस टेबल रहता है जिसपे हमारा वर्क पीस रखा रहता है, देखो वर्क पीस है ना, और वर्क पीस को हम जिस भाइस में पकड़ते हैं उसे हम मशीन भाइस कहते हैं, जिसको यहाँ पे दिखाया गया। और ये है देखो, ये हमारा रैम है, रैम क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इधर टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे, ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा मोशन तभी हमारा। और ये जो टूल होता है, टूल का जो मोशन होता है, टूल ऊपर नीचे करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे ऐसे करके टूल का जो मोशन होगा, मूवमेंट होगा, इधर की ओर होगा, तब ना ये जो वर्क पीस है यहाँ पे काटेगा, ठीक है। आप देखो ये टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट जो बंधा हुआ है किसमें बना हुआ है, जिस चीज़ में बंधा हुआ है उसे हम क्लैपर बॉक्स से नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्लैपर बॉक्स किससे अटैच है, टूल हेड से, किससे, टूल हेड से। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन चीज़ क्या है, रैम कहाँ है, या तो आपका टेबल कहाँ है, और टूल्स कहाँ है, टूल्स का डायरेक्शन क्या होता है, रैम का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका रियल हम डायग्राम भी दिखा देंगे जिससे आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह से ये क्या क्या चीज़ होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। इसका रियल डायग्राम आप लोग देखो, रियल डायग्राम में क्या है, ये आपका सेपर मशीन है ना, सेपर मशीन है, ये आपका नीचे का बेस है, ये आपका टेबल है, टेबल में टी स्लॉट कटा रहेगा, देखो ना बाहर खाँचा कटा रहता है ना, खाँचा कटा हुआ, तो यहाँ ताकि आप किसी भी चीज़ों को फंसा सके, लॉक करने के लिए होता है। और ये देखो क्रॉस फिट है ना, क्रॉस फिट देने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं, इसी में जो स्लॉट कटा रहता है उसे क्रॉस रेल कहते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ है आप लोग देख लीजिएगा, टूल हेड है ना, टूल हेड में यूज किया जाता है क्लेपर बॉक्स के साथ आपका टूल पोस्ट अटैच रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पता चल गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्राइबर इज मेड ऑफ, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग नहीं दे पाइएगा तो मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल वेरी क्या बैड है, आप अच्छा से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है।
तो अस्क्राइबर जो बना होता है ना, अस्क्राइबर आपका बना होता है माइल्ड स्टील का, बिल्कुल नहीं। माइल्ड स्टील का कोई भी टूल्स जनरली नहीं बना होता है। किसका बना होता है? ब्रास का, बिल्कुल नहीं। ब्रास का तो एकदम नहीं होगा, कास्ट आयरन का तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर आंसर क्या बचा? हाई कार्बन स्टील। और अस्क्राइबर कैसा दिखता है उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो अस्क्राइबर मेरा, ये हमारा अस्क्राइबर है। अगर जो बच्चा इसका नाम जानता है कि इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को नर्लिंग के अवभाग को क्या कहते हैं, इसके टिप को क्या कहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन सैंड मोल्डिंग द टॉप पोर्शन ऑफ द मोल्ड इज नोन एज। देखो पिछले क्वेश्चन में जब हमारा आया था क्वेश्चन पैटर्न का, तो उसमें बताए थे कि जब सैंड, जब मोल्ड बनाते हैं ना पैटर्न की चीज को डिजाइन करने के लिए, जो पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न को हम रखते हैं जिसमें, उसे हम कहते हैं मोल्ड। तो मोल्ड, देखो मोल्ड को एक ही बार में नहीं बनाया जा सकता, एक ही पीस में नहीं बना सकता, क्योंकि वर्क पीस हमारा बहुत बहुत प्रकार के हो सकता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी दो पीस में बनाते हैं, कभी कभी तीन पीस में बनाते हैं। तो जब हम दो पीस में बनाते हैं ना, तो जब दो पीस में हम किसी चीज़ को डिजाइन करें, तो ऊपर का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉप, ठीक है। नीचे के पोर्शन को कहते हैं ड्रैग। इसमें जिस शेप का हमको चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, उस शेप का यहाँ पे डिजाइन बना रहेगा। मान लो इस शेप का चाहिए ना, तो इस शेप का कैविटी इसके अंदर बना रहेगा, ठीक है। और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। यहाँ पे हमारा राजर वगैरह, स्प्रू वगैरह, रनर वगैरह सब रहता है, वो अलग चीज़ है। तो मेनली हमारा एक कैविटी बना रहता है, तो कैविटी आधा रख करके बनाते हैं, आधा ऊपर के वाले मोल्ड में और आधा नीचे वाले मोल्ड में। तो ऊपर वाले मोल्ड को हम कह देते हैं कॉप, नीचे वाले मोल्ड को कहते हैं ड्रैग, और दोनों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से। अगर इसको हम जोड़ दिए, देखो ना, अगर जोड़ दो तुम, ठीक है, तो ये हमारा कैविटी बन जाएगा, ठीक है। बीच वाला ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो इसमें अगर हम पिघला हुआ मेटल को डालें तो यहाँ पे बन जाएगा, जो शेप हमको बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग पूछेगा तो कॉप, नीचे का भाग पूछेगा तो ड्रैग बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर टॉप पर्सन दो 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 भाग रहेगा, तो हमारा कॉप एंड ड्रैग हो जाएगा, कॉप और ड्रैग। लेकिन तीन पीस में अगर इसको बांटते हैं, तो ऊपर का कॉप कहलाएगा, नीचे का ड्रैग, और बीच के पर्सन को कहते हैं चीक। इसके बारे में भी आप लोग को क्वेश्चन आता है कि जब हम मोल्ड के बीच के पोर्शन को क्या कहते हैं, तो उसे हम चिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सिखा दिए। और देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, स्प्रू क्या होता है और रनर क्या होता है। तो देखो रनर क्या होता है ना, अगर हम कोई भी कास्टिंग को बना रहे हैं, तो जो जिस रास्ते से मोल्टन मेटल को भेजेंगे पैटर्न में, कैविटी में, तो उस रास्ते को हम कहते हैं रनर, ठीक है। और स्प्रू क्या कहते हैं, स्प्रू मान लो लेडल से सबसे पहले जिसमें मेटल आएगा, जैसे ऊपर से ये मेरा क्या है, मान लो कोई कैविटी है, ठीक है, यहाँ से मेटल पहले आएगा, तो सबसे पहले लेडल से जहाँ से मेटल गुजरेगा, लेडल से सबसे पहले जिस चीज़ में मेरा मेल्ट हुआ गला हुआ मेटल आएगा, उस चीज़ को कहते हैं हम स्प्रू। उसके बाद स्प्रू के बाद रनर में जाएगा, मान लो ये रास्ता है, रनर है, तो उसके बाद हमारा रनर में आएगा, रनर से जो जुड़ा हुआ रहेगा ये गोल गोल या जिस टाइप का पैटर्न रहेगा उसमें घुसेगा, ठीक है। तो पहले स्प्रू, फिर रनर, फिर हमारा जाएगा मोड कैविटी में जाएगा, फिर कैविटी पूरा फुल हो जाएगा, तो राइजर बना हुआ रहता है, ठीक है, राइजर। तो राइजर फुल हो जाता है, तब हम समझेंगे कि हमारा क्या हुआ, ये कैविटी भर गया। इसे कैसे अंदर, हम अंदर किसी चीज़ में नहीं देख सकते ना, यहाँ पे राइजर बना हुआ रहता है। तो इस पहले यहाँ से मेटल आएगा, फिर रनर में रनर जाते जो पूरा पैटर्न भरेगा, कैविटी भरेगा, कैविटी भर के फिर ऊपर राइजर भरेगा, तब हम समझेंगे यहाँ पे मेटल फिल हो गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट्स। देखो थर्मोसेट्स क्या होता है, हमारा जो ये प्लास्टिक का प्रकार होता है, क्या होता है, प्लास्टिक। हम जानते हैं कि प्लास्टिक को क्या करते हैं, डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग आजकल प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, कितना, दो। पहला जो होता है हमारा थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पहला हो गया थर्मोसेटिंग, दूसरा हो गया थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उस प्रकार के प्लास्टिक को कहते हैं जिसको एक बार यूज कर सकते हैं, जो शेप में हम ढाल दिए उसी शेप में यूज करेंगे, फिर दोबारा उसका यूज हम शेप चेंज करके, गर्म करके रीयूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, जिसका यूज, जिस प्लास्टिक का यूज हम बार बार कर सकते हैं, जैसे एक बार बोतल बनाएं, फिर जब बोतल मेरा खराब हो गया तो फिर उसको गला के फिर
उसको फिर से दोबारा बोतल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो उसका कुछ कुछ उदाहरण लिए आप लोग देख लीजिए तो पता चल जाएगा इसका राइट आंसर। देखो यहाँ पे सब थर्मोप्लास्टिक है, जैसे पोलिस्टर हो गया, पॉलीकार्बोनेट्स हो गया, नायलोन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये हमारा सब आता है थर्मोप्लास्टिक का, जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। यहाँ आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जैसे सिलिकॉन हो गया, मेलामाइन हो गया, पॉलीयुरेथीन हो गया, एपॉक्सी हो गया, यूरा पॉलीफॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, आराम से आप लोग जज कर पा रहे होंगे कि थर्मोसेटिंग्स में कौन सा रहा है, ओनली पॉलीयुरेथीन है ना, पॉलीयुरेथीन देखो यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, बाकी आपके थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत तीनों ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डिंग गैल्वेनाइजिंग आयरन एंड जिंक सीस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब सोल्डिंग करते हैं किस चीज का, आयरन का, ठीक है, एंड जिंक का, तो इसमें फ्लक्स यूज करते हैं जब हम सोल्डिंग करते हैं। तो आप लोग टीवी या मोबाइल या चार्जर की दुकान पे गए होंगे जो कि इस चीज़ों को बनाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के, तो वहाँ पे एक फ्लक्स रखता है, तो उस फ्लक्स का नाम क्या है और कितने प्रकार के फ्लक्स होते हैं और किन चीज़ों के सोल्डिंग में किस प्रकार के फ्लक्स के यूज़ करते हैं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको याद करना है, इसमें जिस फ्लक्स का यूज होता है उसे हम जानते हैं जिंक क्लोराइड, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड, ठीक है। और बाकी किस किस, ये जो तीनों फ्लक्स है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए, जिसको नहीं पता वो देख लेगा। देखो गैल्वेनाइज शीट में हम बताए थे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करता है, राइट आंसर हो गया। उसके बाद टीन में हम जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं, पीतल में भी जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, तांबा में अमोनियम क्लोराइड, गैन मेटल में रेजिन, एल्युमिनियम में स्टीरिन, और ब्रेजिंग में सुहागा, ये तो बार बार आप लोग नाम सुनेंगे, ब्रेजिंग में सुहागा या बोरेक्स का यूज़ करते हैं, और रेडियो टीवी और बिजली के पास जाते हैं जो वहाँ पे यूज करता है फ्लक्स का, वो कोरोसिव फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से जिस प्रकार के फ्लक्स का आंसर आपके पास आए क्वेश्चन, तो आप इसे देख करके जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विद, जो डेप्थ बार होता है वर्नियर कैलिपर का, उसका डेप्थ बार होता है वर्नियर कैलिपर का, उस क्या चीज़ से अटैच होता है, पहला ऑप्शन है फिक्स जो, दूसरा होता है मूवेबल जो, तीसरा होता है फाइन एडजस्टमेंट, और बोथ फिक्स्ड जो एंड एडजस्टमेंट। देखो डेप्थ बार होता है ना, वो डेप्थ मेजर करता है, तो डेप्थ मेजर जब करेगा, जब वो ऊपर नीचे मूव करेगा, तो मूव करेगा तो फिक्स स्लाइड से जब हम इसको अटैच करेंगे क्या मूव करेगा फिक्स जो से, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर आपको ऐसे ही मिल गया होगा, मूवेबल जो से उसको अटैच करेंगे तभी वो मूव करेगा, और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू ये तो अलग चीज़ हो गया, और बोथ से कभी कर ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के बी इज द राइट आंसर होगा आपका, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, देखिए ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, जिसका ये पोर्शन को हम कहते हैं फिक्स जॉ, और इस पोर्शन को हम कहते हैं मूवेबल जॉ, ये मूव करता है इधर और इधर, ठीक है, ये फिक्स रहता है। तो फिक्स जॉ के साथ जो अटैच रहता है उसे हम कहते हैं बीम या स्केल, है ना, इसे हम कहते हैं बीम, ठीक है। और बीम के बीच में जो स्लॉट कटा रहता है, देखो पीछे की ओर से दिखेगा, बीम के बीच में एक आयताकार स्लॉट कटा रहेगा, उस स्लॉट में एक बार रहता है जिसे हम डेप्थ बार के नाम से जानते हैं, जिसका यूज होता है डेप्थ मेजर करने के लिए। तो ये जो अटैच होता है ना, इसके साथ अटैच होता है, तो ये क्या है हमारा मूवेबल जो, मूवेबल जो के साथ अटैच होता है। तो आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे जिसको पता होगा, तो बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच चिजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब कीवेज कटिंग करना है, चाबी घाट बनाना है, तो किस चिजल का यूज करते हैं। तो चीजल कितने प्रकार के होते हैं, चीजल जहाँ पे हम हैक्सा का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे हम फाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, हैक्सा ब्लेड का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस जगहों पे अगर हमको कटिंग करना है, फाइल को मेटल को हटाना है, तो उन जगहों पे हम किस चीज़ का यूज करते हैं, चीजल का, ठीक है। तो चीजल जो होता है ना, चीजल आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल।
तो हॉट चिजल का यूज़ जहाँ पे करते हैं गर्म स्थानों पे, जहाँ पे जैसे फोर्जिंग वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे मेटल को अगर कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हॉट चिजल का यूज़ करेंगे। और ठंडे चीज़ों पे, ठंडे जगहों पे अगर काम कर रहे हैं, ठंडे कोल्ड मेटल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो उसे हम कोल्ड चिजल कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कोल्ड, ये सब जो टाइप है कोल्ड चिजल का टाइप है, ठीक है। तो कोल्ड चिजल बहुत प्रकार के टाइप में आते हैं। तो कीवे कटिंग करते हैं ना, कीवे कटिंग हम जिस चिजल से करते हैं उसे हम कहते हैं कैप चिजल। कौन सा चिजल कहते हैं? कैप चिजल। कैप चिजल का ही दूसरा नाम है क्रॉस कट चिजल। क्या है? क्रॉस कट, ठीक है, क्रॉस कट चिजल। और पहला ऑप्शन है आपका फ्लैट चिजल। तो फ्लैट चिजल जनरली कहीं से छोटा छोटा स्क्रैप को हटाना है, कोई छोटा पतला रोड हो उसको काटना है, पतला सीट हो उसको काटना है, तो वहाँ पे फ्लैट चिजल। डायमंड पॉइंट चिजल का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको वर्गाकार ग्रुप काटना है। जैसे मेरे पास एक कोई भी इस प्रकार का कोई भी वर्क पीस है, तो इसमें अगर हमको क्या करना होगा, इसमें अगर हमको क्या करना होगा, ठीक है, इसमें अगर हमको यहाँ से यहाँ तक कोई खाँचा काटना होगा कॉर्नर में, ठीक है, तो वर्गाकार ग्रुप काटना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमंड पॉइंट चिजल का यूज करेंगे। और कैप चिजल का बता दिए, राउंड नो चिजल। अगर कोई भी वॉयल ग्रुप है ना, वॉयल ग्रुप मतलब पतला छेद होता है ना, तो पतला छेद जब हम बनाते हैं तो वो किस चीज़ से बनाते हैं? राउंड नो चिजल से। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ चिजल के बारे में, कौन कौन सा यूज होता है उसके बारे में बता दिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा है, पहला है क्रॉस कट, सॉरी फ्लैट चिजल, जिसका यूज हम करते हैं पतला पतला रोड सीट को काटने के लिए। दूसरा है क्रॉस कट चिजल, जिसका यूज दूसरा नाम है कैप चिजल, इसी से हम क्या करते हैं, कटिंग कीवे कटिंग करते हैं। तीसरा है डायमंड पॉइंट चिजल, इसका यूज हम कॉर्नर पे कटिंग करने के लिए या तो स्क्वायर कीवे बना, स्क्वायर स्लॉट बनाने के लिए। ये हमारा आता है काउ माउथ चिजल, काउ माउथ चिजल होता है, इसका अलग यूज है। दूसरा हमारा है, ये होता है साइड वे चिजल, ठीक है। इसका देखो ना ऑफसेट है, इसका कटिंग एरिया थोड़ा सा ऑफसेट है, इसीलिए हम साइड वे चिजल कहते हैं। ये हमारा हाफ राउंड चिजल है, ये हमारा बेब चिजल है। तो मुख्यतः ये जो है ना हाफ राउंड चिजल का सेमी सर्कुलर स्लॉट काटने के लिए काटते हैं। और ये बेब चिजल का यूज जब हम किसी चीज में ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ गैप में, तो ड्रिलिंग किए हुए भाग को अगर कटिंग करना है तो कटिंग करने के लिए इस पोर्शन के दोनों के बीच में जो गैप है इसको कटिंग करना है, तो इस यहाँ पे जिस चीजल का यूज करते हैं उसे हम बेब चीजल के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेब चीजल, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के चीजल इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर दें, इसका राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल। अब देखो फाइल जो होता है ना, क्या होता है, एक कटिंग टूल्स होता है जिसका यूज करते हैं मेटल को हटाने के लिए स्मॉल अमाउंट में। तो यहाँ पे ना फाइल को बांटा गया है बहुत टाइप से, जैसे तुम्हारा पता होगा तुमको एक शेप के आधार पे बांटते हैं, ठीक है, एक उसका लंबा यानी साइज के आधार पे बांटते हैं, तीसरा उसका ग्रेड के आधार पे, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं विभिन्न प्रकार में उसको बांटते हैं। तो ग्रेड के अनुसार से जो बांटते हैं ना, तो ग्रेड के अनुसार से जो फाइल को बांटते हैं वो चार प्रकार में होता है। पहला होता है रफ, दूसरा होता है बस्टर्ड, तीसरा होता है स्मूथ, चौथा होता है डेड स्मूथ, ठीक है। तो देखो तुमको जो पूछ रहा है रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, तो सबसे कम अमाउंट का मेटल हटाएगा डेड स्मूथ, वेरी स्मॉल। तो देखो यहाँ से बारीक सा अंतर है, अगर वेरी लगा देता ना, वेरी स्मॉल मतलब स्मॉल से भी छोटा अगर अमाउंट को पूछता तो हमारा डेड स्मूथ आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बोला स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट के लिए स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेटल आप हटा पाओगे रफ फाइल से, ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, सेकेंड सॉरी स्मूथ फाइल होगा। लेकिन देखो यहाँ पे ग्रेड को भी दिखा दिए, ग्रेड ये रफ ग्रेड का, जिसमें दांतों की संख्या कम होगा लेकिन उसका मोटाई ज़्यादा होगा, यहाँ पे दांतों की संख्या उससे ज़्यादा होगा और मोटाई इससे कम होगा। इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पे डेड स्मूथ में जाएंगे तो वहाँ पे देखो ना दांतों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, और उसका थिकनेस बहुत कम है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब दांत छोटा छोटा रहेगा तो मटेरियल को रिमूव कम करेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि बहुत कम मात्रा में मेटल को हटाना है तो डेड स्मूथ आप लोग करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस में थोड़ा सा लगाना पड़ता है आंसर, ऐसे ही जॉब नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि लीवर डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो लीवर टाइप का
किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पहले डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में अगर आप लोग कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हम बताते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ना, उस प्रकार के यंत्र को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लैटनेस को बताता, फ्लैटनेस को चेक करता है, किसी भी चीज़ के स्ट्रेटनेस को चेक करता है, किसी भी होल के इंटरनल होल का इसेंट्रिसिटी को चेक करता है। तो इस चीज़ों को चेक करने के लिए किसी भी चीज़ों का जो है रफनेस स्ट्रेटनेस को चेक करता है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ना दो टाइप का होता है। पहला टाइप हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं रैक एंड पिनियन टाइप, ठीक है, रैक एंड पिनियन टाइप। दूसरा हमारा होता है लीवर एंड स्क्रॉल टाइप, ठीक है। तो पहला रैक एंड पिनियन टाइप, तो नाम से समझ में आ रहा होगा इसका जो प्रिंसिपल होगा ना रैक एंड पिनियन पर आधारित होगा। एक रैक रहेगा उस पर पिनियन मूव करेगा, तब हमारा क्या होगा ये स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस जो भी चेक करना रहेगा वो चेक करेगा। दूसरा है लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म, तो दूसरा जो हमारा टाइप होता है लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो उसी पे पूछ रहा है ना कि लीवर टाइप का जो है इंडिकेटर डायल टेस्ट इंडिकेटर किस पे वर्क करता है, तो लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और रैक एंड पिनियन टाइप का पूछता तो ए ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यह भी जानना जरूरी है। ये देखो हमारा लीवर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है जिसको किस पार्ट को क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डायल टेस्ट इंडिकेटर पे भी एक वीडियो ला देंगे पूरा डिटेल में, और आप लोग को जानना है डिटेल में तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो डी इज़ द राइट आंसर। और देखो तुम्हारा ये जो तुम्हारा इंडिकेटर है रैक एंड पिनियन टाइप का है, ठीक है, रैक एंड पिनियन टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसमें क्या है लिखा हुआ जो भी आप लोग को पढ़ लेना है अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड ऑफ द टूल इन लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन। देखो जो टूल होता है ना लेथ का, तो टूल लेथ से क्या होता है वर्कपीस के अंदर जाता है। जैसे बोलो ना यहाँ पे मेरा वर्कपीस है और यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो जब हम इसमें फीड देंगे ना तो फीड देंगे तो इसके अंदर जाएगा, वर्कपीस के अंदर घुसेगा, जिसका काम रहेगा टेपर टर्निंग करे या तो टर्निंग पार्टिंग ऑफ करे या तो स्ट्रेट टर्निंग करे, जो भी करना रहे तो ये क्या करेगा टूल इसके अंदर जाएगा, फीड जाएगा इनके। तो फीड को कैसे मेजर करते हैं, तो फीड को जनरली हम मेजर करते हैं mm पर रिवोल्यूशन में। मतलब जब ये मेरा जॉब है एक रोटेशन पूरा किया, एक चक्कर पूरा किया, तो यह वर्कपीस मेरा कितना अंदर इसके गया, तो उसको मेजरमेंट हम करते हैं टूल का फीड का। अगर हमको इसका टूल का कटिंग स्पीड पूछे तो कटिंग स्पीड मेजर करते हैं हम मीटर प्रति मिनट में। किसमें फीड पूछे तो इसका आंसर होगा mm पर रिवोल्यूशन, अगर कटिंग स्पीड पूछे तो मीटर प्रति मिनट या mm प्रति मिनट में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थिकनेस ऑफ टूथ इन अ गियर इज मेजर्ड अलोंग द। देखो गियर क्या होता है, एक पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस होता है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस में हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम गियर का यूज करते हैं। तो गियर का क्या होता है स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें दाता कटा होता है, बहुत सारे दाता कटा होता है, ठीक है। तो ये दाता जो कटा होता है ये जो शेप होता है इस टाइप के शेप को हम गियर कहते हैं। तो गियर का नॉमिनल क्लेचर के बारे में हमारा क्वेश्चन दिया है, तो पहले हम गियर बना देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा गियर है, तो गियर का ये हमारा टीथ है, तो गियर का टीथ का अगर शेप पूछे तो शेप का आंसर होगा इनवोल्यूट शेप। बोलेगा गियर के शेप कैसा होता है, दांत का, गियर के दांतों का शेप कैसा होता है, तो इनवोल्यूट शेप का। और इसके जो ऊपर के पोर्शन है ना गियर का, सबसे दांतों का ऊपर के भाग से किनारे किनारे से अगर एक लाइन गुजारेंगे तो एक सर्किल का निर्माण होगा, उस सर्किल को हम कहते हैं एडेंडम सर्किल, ठीक है, ए फॉर एडेंडम, डी फॉर सी फॉर सर्किल। तो इस सर्किल को एडेंडम सर्किल, और दाता के सबसे नीचे से अगर एक लाइन गुजारेंगे तो इस जो कर्व लाइन के कारण जो सर्कल का निर्माण होगा उसे हम डिडेंडम सर्किल कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच से जो काल्पनिक सर्किल का निर्माण होता है ना, तो इस सर्किल को हम कहते हैं पिच सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पिच सर्किल, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन आया है कि गियर का जो थिकनेस होता है कहाँ से मेजर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गियर का थिकनेस होता है ना पिच सर्किल से मेजर करते हैं। जैसे देखो ये दांत है,
तो दाता का थिकनेस नीचे डिडेंडम सर्किल के पास सबसे ज़्यादा है और एडेंडम सर्किल के पास सबसे कम है, लेकिन देखो बीच में जो मोटाई होता है ना उसका एवरेज माना जाता है, एवरेज थिकनेस दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बीच सर्किल के साथ जो मेरा टूथ का थिकनेस आता है उसे हम जो है मानते हैं थिकनेस ऑफ द टूथ। तो आंसर हमारा हो जाएगा पिच सर्कल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और एडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बारे में आप लोग को पता चला होगा, बाकी जो जो लिखा हो उसके बारे में आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना। और नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है, हम बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग प्रोसेस इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। इसमें पूछ रहा है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स किस में होगा, तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखो हमारा क्या चीज़ के बारे में दिया, मिग के बारे में। तो मिग का फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस बेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस बेल्डिंग। टिक का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग, ठीक है। और ये अपने आप में एक टाइप सबमर्ज आर्ट वेल्डिंग होता है। चौथा होता है थर्मिट वेल्डिंग, इसका दूसरा नाम है केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से चार प्रकार के वेल्डिंग होता है। तो मिग वेल्डिंग में जो होता है ना, हम जो फिलर मेटल का यूज करते हैं वो क्या होता है, कंज्यूमेबल टाइप का होता है, कंज्यूमेबल होता है। टिक में जो यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल होता है, समर्ज में भी नॉन कंज्यूमेबल होता है, और थर्मिट वेल्डिंग में तो हम क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे कंज्यूमेबल होता है। तो कुल मिलाकर के सभी में कंज्यूमेबल होगा, लेकिन नॉन कंज्यूमेबल किस में होगा, सिर्फ बी में होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। इसमें जो फिलर मटेरियल होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर तो मिल गया। अब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो कि क्या होता है, इसके बारे में जो जो पॉइंट निकल सकता है। पहला चीज़ ये ध्यान रखना कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग ना बोल करके बोले गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, मतलब GTAW, तभी हमको यही समझना है। इसका दूसरा नाम होता है GTAW, इज ऑल्सो नॉन एज अ टिक वेल्डिंग, ठीक है। ये क्या है, इज अ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूज अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू प्रोड्यूस द वेल्ड, है ना। और इसमें क्या पूछेगा, शील्डिंग गैस का यूज, कौन सा शील्डिंग गैस यूज करते हैं, तो इसमें जो शील्डिंग गैस का यूज करते हैं उसमें होता है आर्गन या तो हीलियम, ठीक है। शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन या तो हीलियम का यूज कर लेते हैं। इस तरह से ठीक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बता दिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये बता देंगे कि कौन सा बिल्डिंग किस टाइप में दिखता है। देखो ये है ना, ये मिग बिल्डिंग है। मिग बिल्डिंग में देखो ये इलेक्ट्रोड बीचों बीच में डाला गया है, ये कंज्यूम होता जा रहा है, जैसे जैसे बिल्डिंग आगे बढ़ते जा रहा है ये कंज्यूम होते जा रहा है। लेकिन टिक बिल्डिंग में देखोगे ये अलग से, ये फिलर मटेरियल अलग होता है ना, और ये इलेक्ट्रोड अलग होता है। तो टिक बिल्डिंग में देखो ये बड़ा सा जो है ये है, ठीक है। तो आपको अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये वाला जो है हमारा समर्ज आर्क बिल्डिंग है। तो समर्ज मतलब होता है डूबा हुआ, तो क्या डूबा हुआ रहता है, इसमें जो आर्क रहता है ना यहाँ पे बाहर में है, ये एनवायरनमेंट में, लेकिन यहाँ पे आर्क जो रहता है, जो आर्क मेरा स्पार्क क्रिएट होता है वो फ्लक्स के अंदर क्रिएट होता है। फ्लक्स का एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, उसके अंदर ही आर्क क्रिएट होता है, इसीलिए हम कहते हैं समर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आप लोग डायग्राम से कुछ कुछ समझ लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इन थर्मिट बिल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ, अभी पढ़ाए थे टाइप ऑफ बिल्डिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, जिसमें एल्युमिनियम ये थर्मिट बिल्डिंग के बारे में भी था। तो थर्मिट बिल्डिंग का जनरली यूज करते हैं जब दो रेल के पटरियों को जोड़ना हो, भारी भारी जो है चीज़ों को जोड़ना हो, तो उन चीज़ों में हम क्या करते हैं, थर्मिट बिल्डिंग का यूज करते हैं। तो थर्मिट बिल्डिंग का जो कंपोजिशन होता है एल्युमिनियम और आयरन होता है। तो आयरन और एल्युमिनियम जो मिला करके उसका क्या बनाता है, कंपोजिशन बनाता है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना है, एक अगर ग्राम लेंगे एल्युमिनियम तो 3 ग्राम हमको आयरन लगेगा, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:3। इसको याद रखना है, आयरन 3 और एल्युमिनियम 1। तो इसमें देखो एल्युमिनियम में आयरन पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का 1 होगा और आयरन का 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए इज़ द राइट आंसर दिख रहा है, तो आपका एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको फिगर देखना है तो यहाँ पे आप फिगर देख लो, ये हमारा फर्नेस यहाँ पे बना देते हैं जिसमें हमारा मेटल गलता है, और मेटल गल के कहाँ पे आता है, मोल्ड, जिस शेप में हमको वेल्डिंग करना है उस प्रकार का हम यहाँ पे शेप बना देते हैं। और ये दोनों रेल है,
रेल सेक्शन है, ठीक ना, ये दोनों रेल सेक्शन है, ये वाला रेल है और ये वाला रेल है, इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं हम किस प्रोसेस के द्वारा, ये सब जो है ये उसका डिवाइस जैसे कम्बिनेशन बनाते हैं। और इसमें जो मटेरियल डाला हुआ है एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इस तरह से इसका अनुपात का आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखो अब एसिटिलीन हमको गैस कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, जब हमको गैस बिल्डिंग करना होगा ना, तो गैस बिल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे फ्यूल के रूप में एसिटिलीन गैस का ही यूज़ करते हैं, फ्यूल के रूप में एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है C2, ठीक है, कैल्शियम का C2H2, ठीक है। और इसके इसको जलने में सहायक जो होता है गैस, उस गैस को कहते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इन दोनों दोनों गैसों का यूज़ करते हैं, तो ये तो आसानी से मिल जाता है। और इस फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, इस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं हम ठोस अवस्था में सिलेंडर में डालते हैं। उसके बाद जब इस ये वाटर पानी डालते हैं तो पानी के साथ रिएक्शन करके गैस प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है, तो यहाँ से हमारा एसिटिलीन गैस निर्माण हो जाता है। और ऐसे भी एसिटिलीन गैस दो तीन तरीकों से निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम यह तरीका उपयोग में लेते हैं जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। देखो जब कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, पानी से अभिक्रिया करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा प्लस एसिटिलीन गैस को छोड़ेगा, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस जो होता है ना, एकदम उसमें कोई भी गंध नहीं पाया जाता है, तो उसको पता करने के लिए उसमें एक केमिकल मिला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसे क्या कहते हैं, ताकि ये पता चले कि यहाँ पे रिसाव है या लीक है, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में पढ़ लो, एसिटिलीन इज अ प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ थ्री मेथड्स बाय रिएक्शन ऑफ वाटर। इसको एसिटिलीन गैस को हम तीन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम कार्बाइड, जिसके बारे में हम बता दिए, दूसरा है पैसेज ऑफ हाइड्रोजन थ्रू पासेज ऑफ हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा अगर हाइड्रोजन को पास करेंगे तब भी उसका निर्माण हो जाता है, या तो बाय पार्शियल कंबसन ऑफ मीथेन विथ ऑक्सीजन, अगर मीथेन का पार्शियल कंबसन करेंगे, आधा द्वारा कंबसन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तब भी हमारा एसिटिलीन गैस का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में भी बता दिए, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं छूटेगा, तो बी इज द राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, तो अभी जस्ट क्वेश्चन आया ना कि जो गियर का जो साइज होता है किससे डिनोट करते हैं, अभी बताए थे यह डायग्राम इस टाइप का था, इस टाइप का था ना, इस तरह से मेरा क्या बन रहा था, एक आकृति बन रहा था, तो ये हमारा दाता था, तो दाता के ऊपर का जो पोर्शन था उससे हम क्या कहे थे, एडेंडम सर्किल, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे के भाग से जो गुजर रहा था डिडेंडम सर्किल, और इसके बीचों बीच जो सर्कल गुजर रहा था, इसके बीचों बीच इस सर्कल को हम क्या कह रहे थे, पिच सर्कल, ठीक है, पिच सर्कल PC। तो पिच सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, मान लो यहाँ कहीं ना कहीं कोई केंद्र होगा, तो केंद्र यहाँ का जो डायमीटर होगा पूरा सर्कल का, तो इसी के डायमीटर से हम गियर के को स्पेसिफाई करते हैं, तो पिच सर्कल डायमीटर यानी PCD, तो PCD कौन सा आंसर हो गया, PCD डी इज द राइट आंसर। आप देखो तीन ऑप्शन और बचा हुआ, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है प्रेशर एंगल, तो जब दो गियर आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में जब प्रेशर के कारण जो एंगल बनता है उसे हम प्रेशर एंगल कहते हैं। दूसरा हमारा सर्कुलर पिच, तो सर्कुलर पिच क्या होता है ना, सर्कुलर पिच का फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं PC से, इसका फार्मूला होता है πD/T, ठीक है, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, अगर पूरे सरकमफ्रेंस को नंबर ऑफ टीथ, मान लो 5 टीथ है, 10 टीथ है, 50 टीथ है, तो नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा क्वांटिटी आएगा उसे हम कहेंगे सर्कुलर पिच। और नेक्स्ट हमारा है डायमेट्रल पिच, तो डायमेट्रल पिच इसका जस्ट उल्टा होता है, PD बराबर क्या होता है 1/PC, तो इसका उल्टा कर दो तो T/diameter 1/PD हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आएगा आपका डायमेट्रल पिच कहलाएगा। तो डायमेट्रल पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, सभी के बारे में आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज यूज फॉर रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिप्स। बीसवां क्वेश्चन के पास हम लोग पहुँच गए हैं। बीसवां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ों का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए,
लार्ज क्वांटिटी में, देखो लार्ज क्वांटिटी में जिस स्क्रैपर का यूज़ करते हैं ना उसे हम कहते हैं फ्लैट स्क्रैपर। लार्ज क्वांटिटी में अगर हम मेटल हटाना है तो फ्लैट स्क्रैपर का, और बाकी ज़्यादा क्लास लंबा हो रहा है इसलिए हम शॉर्ट में बताते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेना। फ्लैट स्क्रैपर देखो, स्क्रैपर बहुत टाइप का होता है, फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर, इसे ट्रेंगुलर स्क्रैपर के भी नाम से जानते हैं, बुलनोज स्क्रैपर। इसका शेप जो होता है ना साड़ के नाक के आकार का होता है इसलिए बुलनोज स्क्रैपर कहते हैं। टू हैंडल स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, सभी स्क्रैपर के का शेप हम बता दिए हैं और उसका क्या करेंगे हम, इसका तो राइट आंसर भी हो जाएगा, बाकी इसके बारे में हम क्या कर दिए हैं एक स्लाइड भी तैयार कर दी है, आप लोगों को देख लेना। जैसे मुख पॉइंट है, हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बियरिंग पे, इसलिए हम इसको बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका दूसरा नाम है थ्री कटिंग एज होता है इसलिए हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर भी कहते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं बुश बियरिंग में, ठीक है, बुश बियरिंग के इनर सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को स्क्रैप करने में, ठीक है। और बुलनोज स्क्रैपर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो ना इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप बुल के मुंह के आकार का है और इसका यूज़ करते हैं फ्लैट एंड हाफ राउंड सरफेस पे। और स्क्रैपर क्या होता है, हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए, जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो इस पर ना थोड़ा थोड़ा गड्ढा है, थोड़ा थोड़ा ऊंचा वो स्पॉट्स है जो कि हमको दिखेगा ना माइक्रोस्कोप से दिखेगा महीन, तो इसको हटाने के लिए, इसको स्मूथ बनाने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्रैपर हो गया, स्क्रैपर टाइप हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, एल्युमिनियम किस ओर से निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम जिस ओर से निकाला जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्साइड। बाकी जो हमारा है पायराइट कॉपर का है, कॉपर का एस्क है, एस्फेरोडाइट है, जिंक का एस्क है, ठीक है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट तो आयरन का है, तो सभी किसका आयस्क है इसके बारे में भी बता दिए और बाकी जो भी आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा द सरफेस गेज इज यूज फॉर, अब देखो सरफेस गेज ना एक क्या है, मार्किंग टूल से, तो उसका यूज करते हैं जब हम लेथ मशीन पे किसी भी जॉब के सेंटर को मिलाते हैं, तो सेंटर को मिलाने के लिए से पूरा सेल्फ सेंटर एक नीचे थ्री जो चौक का यूज नहीं करे, फोर जो चौक का यूज करे, तो फोर जो चौक जो सेल्फ सेंटरिंग चौक नहीं कहलाता उसमें सेंटर को मिलाना पड़ता है, तो सेंटर को मिलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं सरफेस गेज होती है। यहाँ आंसर देखो, चेकिंग डायमेंशन नहीं, डायमेंशन गेज कभी डायमेंशन चेक नहीं करता, डायमेंशन चेक करेगा स्केल होगा, तो स्केल जो भी होगा वर्नियर स्केल होगा, माइक्रोमीटर होगा या लीनियर स्केल होगा, ये सब हमारा डायमेंशन चेक करेगा। दूसरा चेकिंग राइट एंगल, राइट एंगल चेक करता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राय स्क्वायर, ठीक है, या तो इंजीनियरिंग स्क्वायर। टर्निंग द जॉब, हाँ जब जॉब को टर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सेंटर को बनाना रहेगा, सेंटर को मिलाना रहेगा, तो हम सरफेस गेज का यूज़ कर लेंगे। मार्किंग पर्पस मार्किंग के लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, स्क्राइबर का, ठीक है। तो क्या कुल मिलाकर के हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको इनडायरेक्टली बताया। और बाकी जिसको पढ़ना है पढ़ लेना इसके बारे में, सरफेस कीजिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल्स यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, डेडम लाइंस, पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और जॉब को सेटिंग करने के लिए कहाँ पे, मशीन पे, और हाइट वगैरह और ये सब चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस कीजिए इसका कौन कौन सा पार्ट्स है, किस मटेरियल का बना होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द ड्रिल साइज फॉर M20 टैप, यहाँ आप लोग को अच्छा से बनाना, जिसको न्यूमेरिकल ये आता है वो बना के हमको आंसर भेजेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसमें कह रहा है ना कि ड्रिल साइज क्या होगा M20 का ड्रिल साइज क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। टैप ड्रिल साइज का TDS का फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी एक अलग फार्मूला भी होता है लेकिन यहाँ का जो क्वेश्चन होगा इसी से बनेगा, तो इसको याद रखिए। जैसे मेजर डायमीटर M20, तो M20 क्या दर्शा रहा है, मेजर डायमीटर को, और M20 टैप का जो पिच होता है ना उसके लिए आपको याद करना पड़ा, एक लिस्ट हम दे देंगे, उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। इससे हमको याद है कि M20 का जो पिच होता है 2.5 होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 20 में 2.5, तो इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा 7.5, ठीक है। और बाकी इसका दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। देखो इसका हम क्या कर दिए हैं, एक लिस्ट दे दिए हैं जिसमें से सभी मेजर डायमीटर के बराबर का हमारा क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे पिच का साइज दिया हुआ है, और पिच का साइज किसका दिया है, ये कोर्स पिच है। पिच दो प्रकार के होता है, कोर्स और फाइन। जनरली अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कोर्स पिच का यूज़ करेंगे, अगर कुछ बोला तो फाइन पिच का यूज़ करेंगे। तो कोर्स पिच का हम देखो लिए ना, यहाँ पे देखो सामने 20 के पास आओ, 20 के पास आओ ना, इसका पिच कितना, ढाई है ना, तो वही ढाई लिए। अगर 18 रहता है, M18 तो भी ढाई होता, अगर M16 होता तो दो होता। इस प्रकार से जो भी रहेगा हम यहाँ से लिस्ट देख लेंगे या याद कर लेंगे, तब हमको राइट आंसर पता चल जाएगा। इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डैश 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 इज यूज टू ज्वाइन टू पीस ऑफ रोप ऑफ इक्वल डायमीटर। जब दो इक्वल डायमीटर का रोप हो तो उस चीज़ में कौन सा ज्वाइंट का यूज करते हैं, तो उस चीज़ों में कौन सा ज्वाइंट का यूज करते हैं, उस ज्वाइंट का नाम है स्क्वायर ज्वाइंट। बाकी कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं और किस किस का किस ज्वाइंट का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा, सॉरी सी इज द राइट आंसर होगा। लास्ट आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला है। इसमें कह रहा है, हैक्सा ब्लेड ऑफ डैश इज सुटेबल फॉर शीट मेटल ट्यूबिंग। शीट मेटल ट्यूब के लिए किस ब्लेड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पिच, इसको बताना है। तो देखो ये होता है ना, इस टाइप के कहते हैं हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड ना पिच के अनुसार से चार प्रकार में बांटा गया है। पहला हम कहते हैं कोर्स पिच, ठीक है, दूसरा होता है मीडियम पिच, तीसरा होता है फाइन पिच, चौथा होता है वेरी फाइन पिच। तो वेरी फाइन पिच मतलब एक दाँता और दूसरे दांतों के बीच का जो गैप होगा ना, बहुत कम होगा। तो इसी का यूज हम करेंगे ट्यूब के कटिंग में। क्यों? क्योंकि ट्यूब पतला होता है, तो पतली चीज़ों के काटने के लिए एकदम पतला दांत रहेगा तभी ना कटेगा। मोटा दांत तो कटेगा, मोटा दांत के बीच में फंस जाएगा तो कटेगा नहीं, तो पतला दांत का यूज करते हैं, पतला पिच वाले। ठीक है, तो इसका दांतों की संख्या क्या होता है, तो कोर्स पिच में जो दांतों की संख्या होता है वो 14 होता है, 14 टीथ पर इंच, TPI। ठीक है, और मीडियम पिच में होता है 18, और फाइन में होता है 24, और वेरी फाइन में होता है 32, ये पर इंच। और सेंटीमीटर में अगर आपको याद रखना है तो 2.54 से भागा दे दीजिएगा तो सेंटीमीटर में आएगा। कभी कभी सेंटीमीटर में पूछता है और कभी कभी इंच में पूछता है, तो इंच में यहाँ पे पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीट मेटल के लिए, शीट मेटल के वेरी फाइन का आपका ये 32 होगा, तो 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस प्रकार के शानदार वीडियो पाने के लिए, इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के कलेक्शन को पाने के लिए आप जरूर हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, दिन भर का मेहनत लगता है। ठीक है, तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, ये आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।